आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे गूगल पे से या फोन पे से आप जो है 10,000, 15,000, 50,000 इस तरह का लोन ले सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपको कोई भी फर्जी ऐप के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको गूगल पे और फोन पे के बारे में बताऊंगा कैसे आप इनसे 10,000, 20,000 या 25,000 या 50,000 के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे आपको लोन मिलेगा। जी हाँ, अगर इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। इस दीपावली पे आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ मतलब मिलने वाला, अच्छा मिलने वाला है गूगल पे या फोन पे की तरफ से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख कर रहोगे @vinaynlb0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलूंगा ताकि आपको बता सकूं कि कैसे आप गूगल पे या फोन पे से लोन ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए स्टार्ट, मैंने यहाँ पे फोन पे ओपन कर रखा है। अब फोन पे में क्या है ना, कई जगह आपको यहाँ पे काला काला दिखाई देगा, कई जगह पे जो मैं चीज दिखाना चाहता हूँ वो भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि प्राइवेसी चक्कर में यहाँ पे क्या होता है ना, ये काला काला हो जाता है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मैं आपको पहले के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फोन पे है, मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए आपको मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ, वो क्या है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लोन सेक्शन आ रहा है, क्रेडिट स्कोर, गोल्ड लोन, म्यूचुअल फंड लोन, बाइक लोन आ रहा है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आप लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, बाइक लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, लोन ऑन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड लोन ले सकते हैं, बट आपको यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है लोन रिपेमेंट का, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस लोन रिपेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख पा रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा, आपको लोन रिपेमेंट का ऑप्शन कहीं ना कहीं दिख जाएगा, सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TVS क्रेडिट, बजाज फाइनेंस, DMI फाइनेंस, उज्जीवन, बेलेस्टर, होम ग्रेड, IIFL, LT फाइनेंस, यानी क्या क्या यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये वो कंपनियां हैं, यहाँ पे उन कंपनी के नाम आ रहे हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी कंपनी से लोन लिया है तो आप फोन पे में आके अपना लोन अकाउंट डाल के रीपेमेंट इजिली कर सकते हैं। रिपेमेंट करने का यहाँ पे ऑप्शन आता है लोन रिपेमेंट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये लोन रिपेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि आप लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने एक लोन का रिपेमेंट किया भी है। एक हमारे दोस्त है, उनका कार का लोन चल रहा है, SD फाइनेंशियल सर्विसेज करके है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 11,770 की यहाँ पे किस्त उनकी चल रही है, जो कि मैंने अभी 15 सितंबर को उनकी किस्त मैंने पे की है, लोन का रिपेमेंट किया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फोन पे में उन्हीं कंपनियों के नाम आ रहे हैं जो जेन्युइन है, जो NBFC अप्रूव्ड है। आपको यहाँ पे लिस्ट मिल गई एक तरीके की कि हाँ आप इन कंपनियों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यू स्मॉल बैंक है, बहुत सारे NBFC लोन ऐप के नाम आपको दिखाई जाएंगे। देखिए मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ क्रेडिट बी का नाम आ रहा हो तो क्रेडिट बी का नाम आ गया। देखिए होम ग्रेड का, अब मैं यहाँ पे देखिए रिंक का नाम दिखा रहा हूँ, रिंक का नाम आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस्त का नाम दिखा रहा हूँ, किस्त का भी आ गया। तो ये वो लिस्ट है यहाँ पे, वो कंपनियां हैं जो जेन्युइन है। फोन पे में आप आयो तो जाहिर सी बात है कोई फर्जी कंपनी तो उसके अंदर होने वाली है नहीं, ठीक है। तो लोन रिपेमेंट करने के अलावा आपकी जानकारी ये भी मिल जाएगी कि भैया आप इन कंपनियों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फोन पे से इस तरह से आप लोन ले सकते हैं, आपको डायरेक्टली अभी फोन पे कोई लोन नहीं देने वाला है। इसी तरीके से आपको गूगल पे से भी जो है लोन मिलेगा, कैसे भी दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे गूगल पे मैंने ओपन कर रखा है, इस तरह के आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए ये दिखाई दे रहा है BSNL रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी है, DTH केबल है, मोबाइल रिचार्ज है, एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, मोबाइल रिचार्ज, DTH केबल, गूगल पे, फास्टैग, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए काफी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे नीचे आ रहा है फाइनेंस टैक्स, यहाँ पे देखिए एक आ रहा है लोन EMI, यहाँ पे देखिए सेम फोन पे की तरह है, यहां से भी आप अपनी EMI यानी रिपेमेंट कर सकते हो, EMI चुका सकते हो, जैसे फोन पे के माध्यम से मैंने आपको समझाया, वही सेम काम गूगल पे में। इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें भी कई सारी ऐसी कंपनियों के नाम निकल के आएंगे, अगर लोन लिया है तो रिपेमेंट कर सकते हो, और एक आपको लिस्ट भी मिल जाएगी कि भैया ये कंपनियां मार्केट में चल रही है जहां से आप पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप होम लोन हो गया या कोई भी लोन हो गया अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सारे लेंडर्स के नाम दिए हुए हैं, क्रेडिट भी का नाम आ रहा है, यहाँ पे देखिए आ रहा है ना। अब यहाँ पे आपको मैं बजाज फाइनेंस का दिखाया देता हूँ, देखिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस का कहीं ना कहीं अगर आ रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ, देखिए बजाज,
ये देखिए बजाज ऑटो फाइनेंस, बजाज ऑटो क्रेडिट, बजाज फाइनेंस एजेंट, बजाज फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिंका भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए रिंका भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोन एप्स के, उन एनबीएफसी के, उन बैंक के नाम मालूम पड़ जाएंगे जो सच में लोन प्रदान करती है। गूगल पे फोन पे में कोई फर्जी कंपनी तो आएगी नहीं, ये अपने आप में ट्रस्टेबल ऐप है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े जो मर्चेंट हैं भी काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि हाँ भैया इनसे हम लोन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई लोन ऐप हो, चाहे कोई एनबीएफसी हो। तो गूगल पे फोन पे से आप डायरेक्टली लोन नहीं ले सकते, आप एक इस तरह से यहाँ पे ये लिस्ट देख सकते हैं, बैंक का नाम मालूम पड़ सकता है, एनबीएफसी का नाम मालूम पड़ सकता है, फिर आप अगर से गूगल पे आके उसको सर्च करें, उसकी वेबसाइट को, वहां पे आके लोन के लिए अप्लाई करें, या उनकी ऐप को सर्च करें, गूगल प्ले स्टोर में आके डाउनलोड करें, लोन के लिए अप्लाई करें। अब जैसे मान लीजिए एयू बैंक लोन रिपेमेंट, एयू एक बैंक है, अगर आप एयू बैंक से लोन लेना चाहते हैं, एयू बैंक की वेबसाइट पर जाए, वहां से लोन के लिए अप्लाई करें, उसकी वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। देखिए आपको बहुत सारे मिलेंगे, डीसीबी बैंक है, फेडरल बैंक है, यहाँ पे देखिए आर के बंसल फाइनेंस है, आपने कभी नाम सुना है, यहाँ से ट्राई करके देखिए आपको लोन मिल जाए, रिंग है, ठीक है, आपको लोन ऐप के बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। तो बस इतना कहने का मतलब था, ये तरीका है गूगल पे और फोन पे से लोन लेने का, डायरेक्टली आपको कोई लोन प्रोवाइड नहीं करने वाला कि गूगल पे आपको लोन देना है कि फोन पे आपको लोन देना है, कोई ना कोई एनबीएफसी ही आपको लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बस मैं ये कहना चाहता था, उम्मीद है कि आपको प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। इस भ्रम में ना यूट्यूब पर आपने वीडियो देख लिया कि फोन पे से लोन मिलेगा 1 लाख का या 2 लाख का, अंदर जाओगे तो आपको भी यही बताया गया होगा जो मैंने आपको बताया हुआ है, डायरेक्टली फोन पे गूगल पे से लोन नहीं मिलेगा, किसी ना किसी एनबीएफसी के थ्रू वो आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे अगर कराया तो, वरना आपको सिर्फ लिस्ट मिलेगी, हाँ भैया ये कंपनी आए लोन पेमेंट करने के लिए, लिस्ट देखो, जब रिपेमेंट यहाँ पे करने का ऑप्शन आ रहा है तो उसे लोन भी मिलेगा, तो अब अलग से गूगल पे जाकर सर्च करके मतलब जो है चेक कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ उसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।